अस्सलामुअलैकुम। जो अट्टापल्ली में केस हुआ था हैंगिंग का, वो बच्ची की वालदा बोल रही हूँ, हाजिरा बेगम की वालदा बोल रही हूँ। हम लोग आज 19 दिन हो गए, 19 दिन से हर जगह फिर रहे, हर जगह जा रहे हैं। आज हम लोग कहीं भी रिस्पांस नहीं मिलने की सूरत में हम लोग असद साहब करने गए थे। उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन करे, DSP साहब को फ़ोन करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात करे हैं। और जो जो भी धमकी दे रहे थे, उंडे जो धमकी दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, लोगों को पकड़ के लाके लोगों को सख्त कार्रवाई करके बयान लेने का बोले से है। ये धमकियां कब और कौन दे रहे थे? ये इमरान गोली है, कुछ गुंडा है, पैसे ले लेके पीछे हट जाओ केस में से, कई को इन्वॉल्व हो रहे इतना बोल के धमकी दे रहे थे। उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने के वास्ते बोले। क्या बोले DCP साहब? हाँ, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होंगी और रिपोर्ट भी जल्दी से जल्दी मंगाएंगे, मंगा के आगे कार्रवाई करेंगे बोल के बोले। इमरान गोली कौन है मैडम? और कुछ नाम ही गुंडा है बोल रहे, हमको तो नहीं मालूम कौन है क्या है। तो इस केस से उससे क्या रिलेटेड है? वो भी नहीं मालूम उससे क्या रिलेटेड है, वो कौन है, कौन बोलने लगा रही, पीछे किसका हाथ है, अब वो तो नहीं मालूम। कब से आ रहे आपको धमकियाँ? ये 8-10 दिन के बाद से शुरू है धमकियाँ आना। फ़ोन पे दे रहे धमकियाँ? हाँ, फ़ोन पे दे रहे, डायरेक्ट बुला के दे रहे, सामने आके दे रहे। हम लोग अब ऐसा तो दिन अवेसी के पास करे, हम लोग वहाँ पर गए, फिर पुलिस स्टेशन पे पुलिस स्टेशन को बोले, इंजन बड़ी फलकनुमा पुलिस स्टेशन में आके सब हम लोग जो जो रिकॉर्ड करे थे, जिसके फ़ोन नंबर थे सब दे दिए हम लोग, अब लोग कार्रवाई आगे करते बोले। तो आपको इस केस से क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? बहुत परेशानियाँ हो रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई घर पे निशाना लगाए बोल रहे हैं, कोई वहाँ बच्ची के हॉस्पिटल में नहीं, एक्शन नहीं लिए हम लोग। मैं तो गम में थी, मगर कोई एक्शन इसलिए नहीं लिए कि बच्ची फांसी लगा ली समझे, मगर जब हम लोग गुस्सल दे टाइम पे देखे निशाना थे तो हम लोग केस आगे बढ़ाए। हम लोग जब तक भी हम बच्ची फांसी ले ली समझे थे, जब तक भी हम लोग एक उसमें से जब केस आगे बढ़ाने की वो करे तो हम लोग को परेशानियाँ आ रही। तो आप ये सोचिए, बच्चे वाले जब गुनाहगार नहीं है तो कब्रिस्तान को भी नहीं आए ना लोग, फिर अब धमकियां देने लगा रही रिपोर्टर से, इनसे उनसे किससे की धमकियां देने लगा रहे। जब गलती नहीं है लोगों की तो फिर धमकियां कई को देने लगा रही, फॉल्ट में है बल्कि तो सब कर रहे हैं लोग, वो फिर कब्रिस्तान को भी नहीं आए, मौता में कोई लेडीज नहीं आए, ये गलती मान रहे नहीं बच्ची को। ज़रा आप देखिए, आप लोग देखिए वीडियो में देखिए, जो आप बोल रहे हैं पैसे किस लिए बोल रहे हैं? पैसे का डिमांड जो कर रहे हैं, कई के लिए डिमांड कर रहे हैं? ये केस में से हट जाओ, 2.5 लाख रुपए देते बोल के डिमांड कर रहे हैं लोग। किसको बोल रहे हैं? वो सफिया माई को भी आ रहा, जो जो सफिया माई के साथ में है उन लोगों को आ रहा, मेरे खिलाफ भी कुछ बोलते जा रही। वालेकुम, मैं मोहम्मद हैदर, कुलीन मल्ली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सरगर्म कारकुन, नारी निकेतन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। आज जो है 12 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ था वट्टेपल्ली के इलाके में, फलकनुमा PS लिमिट्स के तहत, हाजरा नामी लड़की जो सुसाइड कर ली बोल के बोल रहे थे, लेकिन काफ़ी दिनों से इनके वालदा बेचैन थे इस बात को लेके कि मेरी बच्ची हरकत नहीं कर सकती बोल के बोल रही। आज भी उनका बयान यही है, जिस तरीके से बच्ची बोल रही थी वो तरीके से जो है ये बच्ची इतना बुजदिली हरकत नहीं कर सकती बोल के बोलने पर, उस दिन भी जो है दिल को सुकून ना मिलने पर जाके जो है कब्रिस्तान में देखने पर मालूम ये हुआ कि बच्ची के जिस्म पे कुछ ज़्यादा ही जुल्म के निशान हैं। इसके अलावा साथ साथ हम लोग जो है कई लोगों से मुतालबा करें, कई हुक्मरानों से मुतालबा करें, ना होने की सूरत में आज नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के पास जाकर हम मुलाकात करें। उन्होंने फौरी DCP साउथ जोन को कॉल करके ये हुक्म दिया है, और साथ में मुतालिका कॉरपोरेटर हनान साहब भी हमारे साथ में थे, जाके जो है हम लोग उनसे मिले, मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद उन्होंने तयक़ुन दिया कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये चीज़ को जो है जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाऊँगा, और जो भी ये केस के रिलेटेड धमकी दे रहे हैं उनका भी मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। इसी के साथ मैं नखीब मिल्लत का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज। वहाँ तक जाने की नौबत क्यों? क्या पुलिस से आपको लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था? क्या पुलिस से रिस्पांस इसीलिए नहीं मिल रहा था कि आज 19 दिन हो गए शहर हैदराबाद के अंदर कोसी ऐसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो 12 से 14 दिन के अंदर ना मिली। 19 दिन तक रिपोर्ट ना मिलने का इसका कुछ रीज़न अलग दिख रहा मेरे को, इसीलिए जो है आज वहां तक जाना पड़ा।
वरना वहाँ तक जाने की नौबत आज तक हमको आई नहीं थी, लेकिन आज महसूस हुआ कि वहाँ जाना पड़ता, इसीलिए गए थे हम। वहाँ से सदर साहब ने कॉल किया है, फौरी DCP साहब को भी कॉल किया, ACP साहब को भी कॉल किया और कमिश्नर साहब को भी ट्वीट करे साहब, ट्वीट करके फौरी इस पे जो है सख्त से सख्त नज़र डाल के कार्रवाई करने का मुतालबा भी करें। शुरुआत में तो सुसाइड बोल रहे थे, क्या है वालदा का डाउट, जो क्या बोलना चाह रहे वालदा? पता नहीं सब, 10 साल पहले भी कुछ ऐसा इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था ये घर में, कौन करे पता नहीं, मगर बोलने से लोग हिचकिचा रहे, पता नहीं कहीं कहीं हिचकिचा रहे। लड़की के घर में या लड़के के घर में? लड़के के घर में सेम बड़ी बहू के साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ हो चुका है 10 साल पहले, 2011 की बात है। अनंत साहब भी इसके ऊपर जो है बिल्कुल एक नज़र डाल के इंशाल्लाह ताला काम करेंगे, और जो भी इसमें हमको धमकियाँ दिए, 2.5 लाख रुपये ले लो, 2 लाख रुपये ले लो, मैडम आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हैदर भाई आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हमको ये बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी देने वाला और लेने वाला ऊपर वाला है, हम ये सब चीज़ों से परवाह नहीं करते, हमारे कदम करीब जो नॉलेज है वो बता रहा हूँ आपको भाई, जो कपड़े सील करते हैं, रूम सील करते हैं, वहाँ पर जो है डॉग्स को ले जाके निशानदेही करते पूरी, और फ़ोन जो है बच्ची का दूसरे दिन पुलिस वाले दे डाले हमारे हैंड ओवर, बच्ची के जो वालिदा है उनके हाथ को फ़ोन दे डाले वो लोग, इन्वेस्टिगेशन एक पैसे की नहीं भी साहब, जहाँ तक हमारी सोच है, वो लोग क्या बोल रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करूँगा बोल के बोल रहे हैं, ACP साहब बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ, उससे पहले कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो इससे पहले साहब के हाथ में कुछ भी है नहीं। तो सर देखिए एक्चुअली जैसा आपने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने दिन में आनी चाहिए, इसके फॉरेंसिक रिपोर्ट 12 से 14 दिन में आने का मतलब उसका टाइम वेरिएंट है, 2 हफ्ते के आसपास में वर्किंग डेज में आने का है, लेकिन आज 19 दिन हो गए क्यों नहीं है रिपोर्ट? तो सर ये आप वहाँ पर जाके पता करें हॉस्पिटल में, हम जाके पता कैसा कर सकते हैं साहब, जब पुलिस डिपार्टमेंट खुद ही पता कर सकती है ना चीज़ की, हो सकता आप लोग जाने से कुछ और चीज़ उसमें मालूम हो जाए, हमारे जाने से अगर कोई और चीज़ मालूम होती तो फिर पुलिस क्या करती? पुलिस पे तो आप एतमाद नहीं रहा, ऐसी बात हो रही है, हमारी पुलिस पे तो एतमाद इसीलिए नहीं है कि फलकनुमा पुलिस इंस्पेक्टर साहब अभी जो है लीव पे है, दूसरी चीज़ फिर ACP साहब जो है उतना तवज्जो नहीं दे रहे अभी, तीसरी चीज़ फिर जो है हम आज सबूत पूरा कलेक्ट करके बारहा फिर रहे, हम बच्ची के जब उसूल तदफीन के टाइम पे जो फ़ोटोज़ थे वो फ़ोटोज़ को ही प्रिंट करा के हम फिरे, उसके बावजूद भी जो है वो लोग देख के नहीं नहीं ये तो इसके अलावा हम कुछ भी कर नहीं सकते, हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ही हम काम कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया।